नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत जिले में अवैध नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त और तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाकर नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, SSP के आदेशों के अनुपालन के क्रम में नैनीताल पुलिस लगातार जिले में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी प्रकाश चंद्र, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष बनबूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अभियुक्त अरशद हुसैन को 12.89 ग्राम स्मैक की तस्करी करते हुए बनबूलपुरा क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पीछे वाली गली से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ थाना बनबूलपुरा में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी, उपनिरीक्षक शंकर नयाल, कांस्टेबल दिलशाद अहमद और करण सिंह दानू शामिल रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।